मूल निवासी कंसेप्ट सेवेंथ पार्ट है, मूल निवासी संकल्पना ये सातवां पार्ट है। कोलंबस कमिटेड एट्रोसिटीज अगेंस्ट दोज ही इनकाउंटर्ड। कोलंबस ने उन पर जुल्म अत्याचार किए जिससे उसका सामना हुआ। यानी कोलंबस 1492 में वहाँ गया, अमेरिका गया, भारत की खोज करते करते दिशा भूल गया, वो अमेरिका चला गया। तो वहाँ पर जिसका भी सामना हुआ, वैसे उसे नाम दिया है रेड इंडियन, तो जिनका भी सामना हुआ उन सब पर जो है उसने जुल्म अत्याचार किए कोलंबस ने, ये इतिहास में दर्ज है। और ऐसे भी देखा गया है कि पुराने समय में जो भी लोग विदेशों में गए हैं वहाँ के मूल निवासियों के साथ में कोई अच्छा व्यवहार तो नहीं किया है, जुल्म अत्याचार तो किए हैं। भारत में भी आर्य ब्राह्मण आए तो क्या है, जुल्म अत्याचार ही तो किए, यहाँ आकर के वर्ण व्यवस्था लागू कर दिए और जो है मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित कर दिए और उनको नीच बना दिए, शूद्र बना दिए, लात पुत्र बना दिए, तो क्या कर दिए, इस तरह से भारत में हमारे हुआ है। ही ब्रूटलाइज्ड किल्ड एंड इंस्लेव्ड द इंडिजिनस पीपल ऑफ द कैरिबियन एंड लेड द वे फॉर फ्यूचर कॉलोनाइजर्स टू डू द सेम थ्रू आउट द अमेरिका। उसने बड़े घिनौने तरीके से ब्रूटल माने घिनौने तरीके से मूल निवासियों की हत्या की। यानी कोलंबस ने अमेरिका में उससे लगे द्वीपों में जहाँ जहाँ वो गया बड़े घिनौने तरीके से मूल निवासियों की हत्या की, किसी का हाथ काटा, पैर काटा, कान काटा, नाक काटा, इस तरह से घिनौने तरीके से हत्या की, उनको गुलाम बनाया और भविष्य में उपनिवेश बनाने वालों के लिए पूरे अमेरिका में रास्ता खोल दिया यानी बाद में जितने लोग कॉलोनी बनाने के लिए गए अपनी, सब ने जो है कोलंबस ने ही अनुकरण किया। तो एक तरह से कोलंबस इनका बदमाशों का या आक्रमणकारियों का अगुआ था। यानी कहा गया है कि उसने बड़े घिनौने तरीके से मूल निवासियों की हत्या की, उन्हें गुलाम बनाया और भविष्य के उपनिवेश बनाने वालों के लिए पूरे अमेरिका में रास्ता खोल दिया। और हम अपने भारत देश में भी देखते हैं, हमारे भारत देश में भी आक्रमणकारी जितने भी आए हैं, सब कुषाण, हूण, आर्य, सारे के सारे लोगों ने भारत के मूल निवासियों पर किए हैं आक्रमण किए हैं और उनका बुरी तरह से घिनौने तरीके से हत्या भी की है, सब कुछ किया है। आर्टिकल 24 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स टू देयर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में अनुच्छेद 24 के अनुसार मूल निवासी लोगों के परंपरागत दवाओं के अधिकार को लेकर के है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र है उसमें अनुच्छेद जो 24 है उसमें मूल निवासी लोगों के परंपरागत दवाओं के अधिकार को लेकर है। जैसे हमारे जंगल में आदिवासी रहते हैं तो जंगल की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो ये कहा गया है कि जो मूल निवासी लोगों की दवा पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, उसको भी संरक्षित किया जाए, ये कहने का मतलब है। वाट स्टार्टेड इन 1977 एज ए डे ऑफ रिस्पेक्ट एट ए डिस्क्रिमिनेशन कॉन्फ्रेंस हैज नाउ बिकम ए नेशनल हॉलीडे ऑनर्ड बाई प्रेसिडेंट जो बिडन जे बाइडेन। ये कहने का मतलब है कि 1977 में जो दिन सम्मान और भेदभाव के खिलाफ सम्मेलन के रूप में शुरू हुआ उसे राष्ट्रीय अवकाश के रूप में राष्ट्रपति बाइडेन ने सम्मानित किया। यानी जो 1934 में जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे उन्होंने कोलंबस दिवस मनाने का फैसला किया था, तो 1934 से ही कोलंबस दिवस का विरोध शुरू हो गया। अंत में आकर के 1977 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है एक भेदभाव के खिलाफ सम्मेलन किया तो उस सम्मेलन को लेकर के अंत में अभी राष्ट्रपति बाइडेन ने जो है उसको एक अवकाश का दिन घोषित कर दिया। सोचिए जो लड़ाई 1934 में मूल निवासियों के लिए अमेरिका के मूल निवासियों ने शुरू किया था,
आज जो है आज भी वो लड़ाई जारी है, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है उसके ऊपर 1977 में एक सम्मेलन किया था भेदभाव के खिलाफ में। उसके बाद सन 1982 में एक वर्किंग ग्रुप बना था मूल निवासियों के लिए। 1994 आते आते मूल निवासी दिवस 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस घोषित कर दिया। और अभी भी जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो बाइडेन साहब, वो अभी भी जो है मूल निवासियों के सम्मान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो कर भी रहे हैं। और हमारे भारत देश में सब उल्टा हो रहा है। यहाँ पर जो है हमारे जो आक्रमणकारी पेशवा है वो मानने को तैयार नहीं है कि भारत में मूल निवासी रहते हैं। वो कहते हैं हम भी मूल निवासी हैं, जबकि यहाँ जो है बड़े व्यवस्था लागू किए हुए हैं, ऊँच है कोई नीच है। अभी ऊँच नीच जो है शैतानी व्यवस्था है, तो इसीलिए जो पेशवा को शैतान कहा जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पेशवाई के अंदर ही तो ये हुआ था कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या के गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांध दिया था, और नंगी महिलाओं की जो है नंगी दौड़ होती थी पुनः की सड़कों पर, और जो किसान जातियां हैं उनको शूद्र बना करके उनसे टैक्स वसूलते थे, पीठ पीठ पर कोड़ा मारते थे उनके, और जो है उनके बच्चों पर जो है गर्म तेल के छींटे मारते थे। ये पेशवाई में तो सब हुआ है, पेशवाई में ही लोगों के घर घर जो है तोड़ दिए गए, बुलडोजर चला दिया गया, क्या कर दिया। आज भी बुलडोजर चल रहा है, तो आज भी बुलडोजर उसी है, वही पेशवाई की देन है। यानी मुस्मृति का कानून ये लागू करना चाहता है पेशवा, शैतान पेशवा जो नागपुर का है हमारे भारत देश में। इसलिए हम लोगों को मूल निवासी दिवस भारत देश में मनाने की ज़रूरत है। जैसे जैसे मूल निवासी जागेगा, अपना मूल निवासी दिवस मनाएगा, वैसे वैसे ये जो शैतान पेशवा है इस ये कंट्रोल में आ जाएगा, ये कंट्रोल में आ जाएगा।